जय हिंद कमांडो सुनील, रॉयल सेंटर कमांडो डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो हमारा 1600 मीटर आर्मी रैली भर्ती के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ट्रायल रखा गया है। तो दोस्तों, आज आप देखेंगे लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही एन्जॉय होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे जिन बच्चों का आज टाइमिंग देखें, जो 4:45 मारने वाला लड़का कौन से टाइम में आया है और जो 5 डेड मारने वाले लड़के कौन से टाइमिंग में आए हैं, और जो मान लो 4 बुंजा मारने वाला लड़का, या जो मतलब एक अच्छे धावक जो है, वो कितना टाइम में डिफरेंट आया है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और वीडियो का मज़ा लें और लास्ट तक आप टाइमिंग देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि अगला जो नेक्स्ट मंथ से सब कुछ ओपन कर दिया है, नेक्स्ट मंथ से स्कूल, कॉलेज और ओपन अकेडमियाँ, जिनकी हर चीज़ जो कि ओपन कर दी है एजुकेशन के हिसाब से भी। और आपको मैं ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि ये सूचना एक बिल्कुल सही है कि नेक्स्ट जो आने वाला मंथ है उसमें हर चीज़ ओपन कर दी है। तो दोस्तों, कुछ ही वो टाइम अभी दूर नहीं है जब आपकी वर्थी जो कि आ जाएगी। और जो दोस्तों आर्मी रैली भर्ती टेस्ट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये एक कुछ समय में, जिनकी बहुत ही सम टाइम में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका आर्मी टेस्ट के लिए आपका आर्मी टेस्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, वो टाइम आने वाला है, क्योंकि अभी बहुत ऐसा मतलब एक मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जब सब कुछ ओपन हो गया है, सब कुछ हर चीज़ चल रही है, आपने देखा होगा कि बाज़ार हर चले हुए हैं, मतलब हर चीज़ चल रही है, तो एक एजुकेशन पार्ट ये क्यों बंद है? तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी ये हर बच्चे से मतलब हर मम्मी पापा से या हर एक मतलब सिविल मतलब हर एक बंदों से, लेडीज़ से, जेंट्स से, बहनों से, भाइयों से, और हर किसी से ये उन्होंने भी डिस्कस किया है। और जो स्कूल और जो कॉलेज और जो जितनी भी ITI हैं और जितने भी एजुकेशन जो संस्था हैं वो अगले मंथ से ओपन होने जा रही हैं, और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ। और कुछ ही दिनों में सम नोटिस में आपकी जो भर्तियाँ भी चालू हो जाएंगी, ये पक्की जानकारी है। और जो रिटर्न टेस्ट है वो भी बच्चे बिल्कुल तैयार रहें, वो भी मतलब कुछ ही टाइम में वो सब कुछ एकदम होने वाला है। आप बिल्कुल अपनी तैयारी बरकरार रखें, आप बिल्कुल ढीले ना पड़े, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और आपको इस बार कंपटीशन बहुत हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भर्तियां तो होंगी लेकिन वो उसी हिसाब से भर्ती कराएंगे, सख्त भर्तियां होंगी और सख्त तरीके से आपको रूल रेगुलेशन जो कि फॉलो करना पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये एक गुड न्यूज़ है। और सर कुमार भी साहब, जो लेटेस्ट जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं, लेटेस्ट मैंने एक वीडियो पहले भी एक बनाई थी, वो भी आप फॉर्म जो कि भर सकते हैं। जैसे BSF की वैकेंसियाँ निकल रही हैं वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उसके बाद CISF की वैकेंसियाँ हैं जिसमें स्पोर्ट्स कोटा जो कि नेशनल लेवल के लड़के हैं वो, जिनकी एज लिमिट 23 साल है, लेकिन जैसे कैटेगरी पर्सन जो लड़के होते हैं, जैसे SC या OBC या इस टाइप के जो लड़के होते हैं वो इन भर्तियों में उनकी एज लिमिट कुछ अलग होती है। तो ये बच्चे आप अपनी जो फॉर्म वगैरह जो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं
जन की हम जो ट्रायल, मैं आपको ये चीज़ बताना अंकु चाहता हूँ, एक हाथ रहन ग्राउंड खोलो। और अपने ग्राउंड में कितना फर्क है, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड पूरा मुंह से हाथ खोल, लिको हाथ हाथ खोल फौजी ले, ग्राउंड की तरह एक्टिविटी जोर करता बात है। था दे। जैसे पालमपुर में बच्चों को सांस नहीं आता, पाँव नहीं चलते, बेशक इस ग्राउंड में हमने बिल्कुल बिल्कुल लेवलिंग किया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया हुआ है। अभी आप हमारा जो फर्स्ट बच्चा वो आने वाला है, आप देख सकते हैं और उसकी टाइमिंग सुने, और मेरे पिछले ट्रायल भी देख सकते हैं कि वो उसका टाइम कितना था और आज उसका टाइमिंग कितना है। ये टाइमिंग सुन, शरेआम मैं इसमें कुछ नहीं, कमांडो डिफेंस एकेडमी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना टाइम में डिफरेंट आया है, जिनकी एक रहन ग्राउंड में जो बच्चा 4:45 मारने वाला, वो हमारे ग्राउंड में कितना टाइम मार रहा है। तो दोस्तों डिफरेंट है, क्योंकि ग्राउंड ग्राउंड का हिसाब होता है। हमारे ग्राउंड में बहुत सारी कर्वे हमने दी हुई हैं, टफ ग्राउंड है, और इसमें हम पूरा जिनकी एक पूरे इसमें क्रॉसिंग में रस्सियाँ बांधी हुई हैं, बच्चे अंदर नहीं हो सकते हैं। जिनकी जो आपका एक्चुअली टाइम है, वो जो आप एक पालमपुर में 200 250 300 बंदों में देते हो, वो टाइम जहाँ पर हमारे ग्राउंड का आता है। तो दोस्तों आपको यदि आपने टफ ट्रेनिंग की होगी, टफ मेहनत की होगी, टफ आपने ग्राउंड में प्रैक्टिस की होगी, तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हमारी अगले मंथ से जो कि न्यू बैच बैठ रहा है, आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना सोल्जर होने का सपना, जो कि आर्मी में जाने का सपना, पूरा कर सकते हैं। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको लव्स बोलता हूँ, दिल से थैंक्स बोलता हूँ। और हमारी वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स टू मेरे सब्सक्राइबर और लव्स यू टू देखने।